नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। देखिए, आप लाइक करना नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है आपके लिए। क्योंकि मैं एक रिक्रूटमेंट के साथ आया हूँ, जो लोग नौकरी की तलाश में है, गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये भर्ती समय पर निकलती है और समय पर ही ये भर्ती क्लोज हो जाती है, ये भर्ती कभी लटकती नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, 31 अगस्त 2021 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और 4 सितंबर 2021 को आपका जो चालान है ना, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो चालान है, वो आप यहां पर चालान डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अब आपको लास्ट डेट इसकी पता चल गई। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,271 पद हैं, बहुत बड़ी भर्ती है, 25,271 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 25,271 पदों पर जो नोटिफिकेशन आया है वो कहां कहां है। देखिए, बीएसएफ में 7,545 पद हैं। देखिए, सीआईएसएफ में 8,464 पद हैं, एसएसबी में 3,806 पद हैं, आईटीबीपी में 1431 पद हैं, एआर में 3785 पद हैं और एसएसएफ में 240 पद हैं। ये एसएससी भर्ती लेगा और मेरिट के आधार पर आपको इस तरह से इन इन पुलिस में भर्ती किया जाएगा कि आपको कहां कहां इनको कैसे भेजना है। देखिए, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात मैं करता हूं तो इसमें 10th पास होना अनिवार्य है, 10th पास और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आरएससीआईटी तो आजकल कंपलसरी है, वो आपके पास होगा ही, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों, इस भर्ती में एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से 23 वर्ष इसमें एज लिमिट तय की गई है, 18 से 23 वर्ष। और जो जिन जिन कैटेगरी में आते हैं, कोई एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का, वहां पर जो छूट का जो नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उस हिसाब से आपको वहां पर छूट मिल जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिलेबस की। देखिए, इस एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो आपके एग्जाम में आती है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस इसमें आएगी, इंग्लिश हिंदी आएगी इसमें, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्या कितने नंबर का आएगा। देखिए, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, ठीक है, 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25-25 की है, हिंदी इंग्लिश 25-25 की है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25-25 का है, तो इसमें टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर इसमें होने वाला है। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस भर्ती में जो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस भर्ती में हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में ये पेपर आपको मिल जाएगा, हिंदी अंग्रेजी भाषा में मिल जाएगा। पेपर का विभाजन 4 भागों में किया जाएगा, 25 नंबर के हिसाब से प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया, ठीक है। इसका जो 100 नंबर का पेपर होगा और 90 मिनट इसमें आपको टाइम मिलने वाला है, कितना, 90 मिनट, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट इसमें आपको टाइम मिलने वाला है। एसएससी जीडी एग्जाम का पेपर, देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा इसका, और इसमें मैं आपको बता दूं, इसके अलावा इस परीक्षा में 0.25 यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4 इन्हें बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की जाती है, तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो इस तरह आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। और सेंटर की बात करें तो सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रदेश के हिसाब से, जहां जहां से आप हैं पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी पूरे हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया में इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। अब देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए रनिंग की बात करते हैं, मेल फीमेल, ठीक है, यहां जनरल ओबीसी और एससी के लिए यहां 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर रखी गई है। यहां पर देखिए, फिर मेल एसटी के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट रखी गई है। अब देखिए, फीमेल की बात करेंगे, इसमें फीमेल जनरल कैटेगरी है, एससी और ओबीसी है, यहां पर 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में रखी गई है, ठीक है।
और यहां पर फीमेल एसटी के लिए भी सेम रखी गई है। अब हाइट की बात करते हैं, 170 सेंटीमीटर हाइट मेल की रहेगी, जिसमें जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी रहेगा। एसटी के लिए 162 सेंटीमीटर रहेगी, महिलाओं के लिए 175 सेंटीमीटर रहने वाली, जिसमें जनरल एससी ओबीसी रहेंगी, और एसटी की महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब देखिए चेस्ट की बात करते हैं तो मेल में जनरल कैटेगरी ओबीसी और एससी इनका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर इनको फुलाना पड़ेगा जब वहां पर फिजिकल होगा। ऐसे यहां पर एसटी मेल के लिए 76 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, महिलाओं के लिए ये लागू होता नहीं है। दोस्तों अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए एप्लीकेशन फीस देखते हैं। तो एप्लीकेशन फीस देखिए इसमें क्या रखा गया है, आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। इसके अलावा सभी वर्ग के महिलाओं और एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क रहेगा, उनका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो देखिए आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, आप वेबसाइट इसकी विजिट करें, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई इस भर्ती से संबंधित आपके क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया, सिलेबस हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स में हमने सिलेबस का पूरा वो दिया हुआ, सिलेबस आप यहां से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जुट जाइए तैयारी में, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल जॉब सेक्शन आपको अपडेट लाता रहता है नई नई रिक्रूटमेंट की। तो दोस्तों फिर मिलता हूं एक ऐसे रिक्रूटमेंट के साथ। आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।